हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने मैं एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चार 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 इंच के ये तीन पीस लिए हैं और चार चार इंच के ये मैंने दो पीस लिए हैं, तीन तीन इंच के मैंने तीन पीस लिए हैं, एक पीस लिया है तीन तीन इंच का। एक ये पट्टी है जो लंबाई इसकी 5 इंच है और चौड़ाई इसकी 1 इंच है। तो मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड, पहले हम ये दो पीस ले लेंगे। ये दो पीस लेने के बाद हम इन पे ये ऑरेंज वाले पीस रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको ठीक से रख के इसके ऊपर एक सिलाई वो स्केल से लाइन लगाएंगे और फिर साइड साइड में से सिलाई लगाएंगे। तो मैं पहले आपको लाइन लगाना बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लाइन लगा ली है और अब हमें यहाँ साइड साइड में सिलाई लगानी है। तो मैं आपको पहले सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टुकड़ों को बीच में से कट करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ से बीच में से जो हमने लाइन लगाई थी उसी लाइन पर हम कट कर देंगे और इससे हमारे ये दो पीस तैयार हो जाएंगे। तो मैंने कट कर लिया है और देखिए, ये हमारे एक पीस ये और एक पीस ये दो पीस ये तैयार हो गए हैं। और इसको भी हम कट कर लेते हैं और इसको सेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चार पीस तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके कोने वगैरह काट देंगे और इसको तीन तीन इंच के नापेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कट होगा उसको हम साइड में कर देंगे। तो हम तीन तीन इंच नाप लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक्स्ट्रा का इसमें जो मार्जिन एक्स्ट्रा था वो हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे ये चारों पीस तीन तीन इंच के कट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये वाला जो टुकड़ा है हम इसको लेंगे और हमें इसको बीच में से कट करना है। कट करने के बाद हमें ये वाला पीस, ऑरेंज वाला ये वाला पीस इसमें जॉइंट करना है। तो हम पहले कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट कर लिया और कट करने के बाद ये हम उसको ऐसे रखेंगे और इसको पहले हम ऐसे सिलेंगे और सिलने के बाद हम इसको पलट देंगे और इसको भी हम फिर इसके साथ सिलेंगे। तो मैं जॉइंट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जॉइंट हो गया और ये अब ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको इस वाले पीस को इस पर रख कर सिलाई लगाएंगे। तो मैं सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सिल गया है और ये मैंने ओपन भी कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हमें 3 इंच की कटिंग से कट करना है। इसे भी हमें 3 इंच का पीस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में इसको रखेंगे और फिर हम जितना भी ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। तो मैं पहले एक पिनअप कर लेती हूँ। ये देखिए, हमने इसको पिनअप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहीं से इसी के नाप से 3-3 इंच का ये पीस यहीं से कट कर लेंगे। इससे ये बिल्कुल आसान तरीके से कट जाएगा। तो देखिए, मेरा पीस कट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पीस कट हो गया है जो बिल्कुल 3 इंच का है। तो मैं इस डिज़ाइन को सेट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इन ऊपर के पीसों को लेंगे, इसको इस पे रखेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे और पलट देंगे। इसको भी यहाँ पर रखेंगे, सिलाई करेंगे और पलट लेंगे। तो मैं ऊपर का सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऊपर का सिल गया है। अब हमें इसको भी ऐसे ही सिलना है। पहले हम इसको यहाँ सिल देंगे, पलट देंगे और फिर क्या करेंगे, फिर इसको भी लेके हम पलट दे के सिल देंगे। तो हम इसको भी सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ऊपर का भी सिल गया है। अब हम नीचे वाला सिलेंगे। नीचे वाले को भी हम ऐसे ही सिलेंगे। इसको यहाँ सिलाई मार के पलट देंगे और इसको यहाँ सिलाई लगा के पलट देंगे। तो हम सिल लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऊपर का भी कंप्लीट ये कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये ऊपर वाला टुकड़ा लेंगे, सिलाई के जॉइंट से सिलाई को मिलाएंगे, पिनअप कर लेंगे और ऐसे यहाँ एक सिलाई लगा देंगे और पलट देंगे। तो मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिनअप कर लिया है, अब मैं सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऊपर का कंप्लीट हो गया है। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, सिलाई को सिलाई से मिलाएंगे और सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, कितना खूबसूरत है। तो आप भी इस डिज़ाइन को बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।